हाय दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ केयर होम्यो फार्मेसी में। मैं मोहम्मद समीम हुसैन। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं लैपोमा के बारे में। लैपोमा किसे कहते हैं, क्या इसके काउजेस हैं, क्या साइनम सिम्टम हैं, और आखिर में बात करेंगे इसमें कौन कौन सी होम्योपैथ की मेडिसिन ली जाती है। तो वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैपोमा किसे कहते हैं, क्या होता है लैपोमा। तो हमारे बॉडी पे किसी भी अंग पर अगर छोटा छोटा ट्यूमर देखने को मिलता है तो उसे ही हम लैपोमा कहते हैं। दूसरा दोस्तों होता है क्या है कि हमारे बॉडी पे कहीं भी अगर फैट चर्बी जमा होने लगता है और एक जगह जमा होने लगता है वो, तो आस्ते आस्ते वो फैलने लगता है, बढ़ने लगता है, तो उसे हम लैपोमा कहते हैं। ये एक विनाइल ट्यूमर है। बॉडी पे ये फैलता भी है, बढ़ता भी है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये फैलने लगता है। कहीं भी आपको होता है एक बॉडी पर कहीं भी, तो ये आस्ते आस्ते बढ़ने भी लगता है और फैलने भी लगता है। अब बात करते हैं किन कारणों से होता है, क्या कॉजेस हैं जिनके कारणों से ये लैपोमा हम लोग को हो जाता है। तो सबसे पहला और बड़ा कारण जो देखा गया है दोस्तों वो होता है जेनेटिक। जैसे कि आपके माता पिता को या फिर दादा दादी को या फिर नाना नानी को किसी को भी अगर रहा हो या आप सुने हों कि उनको रहा हो लैपोमा उनको हुआ हो, तो आपको होने का जो संभावना होता है दोस्तों वो काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा होता है दोस्तों कि ये जो मोटे लोग होते हैं उनको उनमें ये होने का चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा होता है फीमेल को ये ब्रेस्ट में होता है। तो अब बात करते हैं ये तीन कारण हो गए दोस्तों, पहला जेनेटिक मोटे लोगों में और फीमेल में। अब बात करते हैं लैपोमा जो होता है दोस्तों वो इसमें क्या लैपोमा के साइनम सिम्टम है। तो सबसे पहला साइनम सिम्टम जो होता है दोस्तों लैपोमा जो होता है वो आपको गोल आकार का होगा और ये उठा हुआ रहेगा, गोल आकार का रहेगा, उठा हुआ रहेगा। छुएंगे जब इसको दोस्तों ये मुलायम लगेगा, मतलब कि बहुत सॉफ्ट लगेगा, छूने पर ये काफ़ी फूला रहता है, कभी छोटा या उससे बड़ा भी रहता है। और ये पीठ पे या कमर पे या हाथ पे कहीं भी हो सकता है। ये होने के बाद आपको फैलने लगता है। लंबे समय तक रहने पर अगर लैपोमा का आप इलाज नहीं करते हैं, लैपोमा आपको ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा महीने तक या ज़्यादा सालों तक आपको रह जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता है तो नीचे की ओर भी ये बढ़ता जाता है। तो होता है क्या, जो वहाँ पर का हम नस होता है, वेन होता है, उसको ये दबा देता है। और दबाने के बाद होता है क्या, उस बॉडी पे हिस्से पे आपको ये सुन हो जाता है, मतलब कि आप पे छुएंगे तो आपको मतलब कि झुंझुनी टाइप का जो होता है उस तरह का महसूस करने लगेंगे। तो ये हो गया दोस्तों लैपोमा जो होता है। तो कहीं भी आप अगर होता है तो उसका आप इलाज कराएं बढ़िया से। इसको आप ज़्यादा इसको ये सोचें नहीं कि अपने आप ये ठीक हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की बात भी नहीं। लैपोमा अगर हो जाता है, अगर आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं अच्छे से तो ये सही हो जाता है। अब लैपोमा जो होता है दोस्तों, सबसे पहला लोगों में ये होता है क्या लैपोमा के जो होता है, तो लोग सोचते हैं कि लैपोमा अगर हो गया है तो ये आगे जाके कैंसर हो जाता है। बहुत लोगों को देखा है, वो बोलते रहते हैं कि हमको लैपोमा हो गया है और आगे जाके कहीं ये कैंसर का रूप न ले ले, तो बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं। लैपोमा जो होता है दोस्तों ये कभी भी कैंसर का रूप नहीं लेता है, बशर्ते कि अगर लैपोमा आपको कहीं भी आपके बॉडी पर हुआ है तो आप उसको बार बार सर्जरी नहीं करें। बार बार सर्जरी कराने से क्या होता है, उसमें कैंसर का कुछ परसेंटेज जो होता है वो चांसेस बन जाता है। तो क्या करें आप इसमें, जब भी आपको लैपोमा पूरे बॉडी पे भी देखा गया है, किसी को आपको यहाँ से लेकर पूरे बॉडी पे ही लैपोमा हो जाता है, तो ये होता है क्या दोस्तों, ये इसमें घबराने की बात नहीं है। आप तो समझ ही गए, लैपोमा जो होता है गोल प्रकार का होता है, फूला हुआ रहता है, सॉफ्ट रहता है। तो इसे आप पहचान लें और आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट करें, उनको अपने बारे में बताएँ, दिखाएँ। तो इसमें बहुत ही अच्छी होम्योपैथ की मेडिसिन आती है, अगर आप इसमें लेते हैं तो आपको सही हो जाएगी। और कभी भी मेरा आपको ये एडवाइस है कि आप कभी भी मतलब कि आप इसको ऑपरेशन या सर्जरी इसका कभी भी नहीं कराएं। सर्जरी कराने के बाद होता है क्या दोस्तों, बार बार सर्जरी कराएंगे आप और ये होता है कराते रहेंगे, निकलता रहेगा। इसका मेन जो ट्रीटमेंट है जो दोस्तों वो होता है होम्योपैथिक में, होम्योपैथ मेडिसिन लेंगे तो ये काफ़ी जल्दी आपको ये सही हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि होम्योपैथ की मेडिसिन की तरफ, कि कौन कौन सी होम्योपैथ की मेडिसिन इसमें ली जाती है। तो सबसे ज़्यादा पहले जो इफेक्टिव मेडिसिन जो होता है दोस्तों वो होता है थूजा वन एम का आपको लेना है। 2 बूंद सुबह और सुबह खाली पेट, मतलब कि जैसा ब्रश किए, ब्रश करने के बाद डायरेक्ट 2 बूंद आप जीभ पे अपना 2 बूंद ले लेना है, सुबह सुबह ले लेना है इसको 2 बूंद एक टाइम। उसके बाद जो होता है दोस्तों दूसरा जो मेडिसिन है वो आपको कैल्केरिया फ्लोर आपको लेना है, टैबलेट 6x में लेना है। इसका जो पोटेंसी है कैल्केरिया फ्लोर का ये है 6x। इसको लेना है कैसे, ये टैबलेट है तो इसको लेना है दोस्तों 4 टैबलेट जो है इसको 3 बार लेना है, 4 सुबह ले लें, 4 दोपहर ले लें, 4 रात ले लें। तीसरा मेडिसिन जो है दोस्तों वो है फर्टिलाइजर बेरी।
फर्टिलाइजर बेरी जो है दोस्तों ये लेना है, मदर टिंचर में लेना है। इसको लेना है कैसे दोस्तों, इसको लेना है 20 बूंद आपको 3 बार, मतलब कि 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद रात, 3 बार लेना है। उसके बाद अगर किसी लेडीज़ को, फीमेल को, मतलब कि अगर किसी को ब्रेस्ट में अगर हो गया है ये, तो उनको एक दवा आती है बहुत ही इफेक्टिव दवा उसके लिए, वो है कोनियम मैक। कोनियम मैक जो लेना है दोस्तों वो उसको लेना है 200 पोटेंसी में लेना है। और इसको लेना कैसे, 2 बूंद लेना है आपको 2 बार, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद रात। तो ये 4 मेडिसिन हो गई, थूजा 1 एम, कैल्किजा 4 और 6 एक्स, फैटलक्का बेरी, मदर टिंचर लेना है और कोनियम मैक, ये 4 मेडिसिन है, इसे लें। और उसके साथ साथ जो मेडिसिन आता है दोस्तों, पेटन में एक मेडिसिन आता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव ये भी माना जाता है, ये आप देख लें, ये मेडिसिन है टीमोरिन। अब इसको खोल लेते हैं, खोलने के बाद देखते हैं कैसा ये है। तो ये देखिए इस तरह का आपको होता है ये। तो ये टीमोरिन है, इसका जो एमआरपी है दोस्तों, इसका एमआरपी जो है आपको, प्राइस है वो आपको है 148, 148 रुपीज़ का है। और इसको लेना है कैसे दोस्तों, इसको लेना है आपको 10 से 15 बूंद लेना है 3 बार, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात। 10 बूंद भी ले सकते हैं आप, और 15 बूंद भी ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो इसका हाफ डोज उनको देना है। तो इसको लेना कैसे है, 10 से 15 बूंद लेना है 3 बार, आधे कप सुसुम पानी के साथ इसको लें। जो जो मेडिसिन मैंने आपको बताया दोस्तों इसको लें, तो इसका जो रिजल्ट है देखने को मिलता है 1 महीने में। आप देखेंगे जो भी आपको, मतलब कि कहीं भी बॉडी पे अगर आपको लैकोमा हो गया है, तो देखेंगे दिन प्रतिदिन 1 महीने के बाद इसका रिजल्ट सामने आने लगेगा, वो कम होने लगेगा, अब पूरा गलने लगेगा, गल के ये पूरा ही ख़त्म हो जाता है, और फिर ये दोबारा कभी नहीं होता। ये मेडिसिन लें दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और लेने के बाद देखेंगे बिल्कुल ही आपका जो लैकोमा है बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।